सोनपुर के गांव में बहुत ही पेड़ हुआ करते थे। पेड़ घने होने के कारण यहाँ तरह तरह के पंछी रहा करते थे। पंछियों को नजदीक गांव से दाना आसानी से मिल जाया करता था। पंछियों की जिंदगी बड़ी खुशहाल थी। सुबह सुबह दादी पंछियों को दाना डाल देती थी। पंछियों आ जाओ, दाना लेने सुबह हो गई है। सारे पंछी इकट्ठे होकर आ जाते हैं और अपने बच्चों के लिए दाना ले जाते हैं। पानी पीने के लिए दादी ने कटोरा पेड़ पर ही टांग रखा था। एक दिन दो व्यापारी उस पेड़ के नजदीक आते हैं और उसे काटने की बात करते हैं। पंछी इस बात को ध्यान से सुन रहे थे। बुलबुल बहन, अब हमारा और हमारे बच्चों का क्या होगा? दो दिन बाद व्यापारी इस पेड़ को काट देंगे। हाँ लाडो बहन, पर इतनी जल्दी हम कहीं और घोंसला भी नहीं बना सकते हैं। पंछी बहुत परेशान हो जाते हैं। अगले दिन जब दादी पंछियों को दाने के लिए पुकारती है, पंछी अपने घोंसले से नीचे नहीं आते हैं। लाडो क्या हुआ, आज तुम पंछी दाना लेने नहीं आए? कोई परेशानी है? दादी, हमारे घोंसले खतरे में हैं। कल जब आप घर पर नहीं थी, तब तो व्यापारी इस पेड़ को काटने की बात कर रहे थे। इसीलिए हम सब पंछी अपने घोंसले और बच्चों को लेकर परेशान हैं। आपको तो पता ही है, बारिश का मौसम आने वाला है। इतनी जल्दी हम अपने घोंसले कहीं और नहीं बना सकते हैं। परेशान होने की बात नहीं है पंछियों, पहले आप भोजन ले लो, बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे। पंछी दादी की बात सुनकर भोजन अपने अपने घोंसलों में ले आते हैं। थोड़ी देर में व्यापारी भी वहां आ जाते हैं। दादी उन्हें उस पेड़ की कीमत देकर वहां से भेज देती है। यह सब देखकर पंछी खुश हो जाते हैं और दादी का धन्यवाद करने दादी के पास आ जाते हैं। दादी, अगर आज आप इस पेड़ की कीमत नहीं देती, तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे पंछी दादी से लिपट जाते हैं।